तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस, सबसे पहले NXT को लेके गुड न्यूज़ है, उसको आपको सुनाता हूं। तो रिसेंटली मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि WWE जो है थर्ड ब्रांड के तौर पे फाइनली ऑफिशियली NXT को कंसिडर करने वाली है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि सेथ रॉलिंस वहाँ पर जाके वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियनशिप डिफेंड कर रहे हैं, साथ में और भी मेन रोस्टर के टैलेंट्स NXT में जाके कम्पीट कर रहे हैं। तो WWE अब उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रही है, एंड इतना सीरियस ले रही है कि मेजर इवेंट समर स्लैम में, जी हाँ, जो चार मेजर इवेंट्स होते हैं WWE के साल में, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम, उनमें से एक है समर स्लैम, एंड यहाँ पे NXT की टाइटल डिफेंड होगी। प्रोबेबली ये वर्ल्ड टाइटल होने वाली है, NXT वर्ल्ड चैंपियनशिप समर स्लैम में आपको डिफेंड होते हुए दिखेगी। इसके अलावा भी मैचेस हो सकते हैं NXT के। तो WWE फाइनली मेन रोस्टर के पेपरव्यू इवेंट्स के अंदर NXT को अब इंक्लूड करने वाली है। अब यहाँ पे NXT आएगी तो देन फॉर श्योर वो सर्वाइवर सीरीज में भी होंगे। तो NXT की अब चांदी है भाई, एंड एज थर्ड ब्रांड, एज मेन रोस्टर अब NXT को कंसिडर किया जाएगा। बहुत जल्दी आई थिंक साल एंड होते होते लोगों का माइंडसेट बिल्कुल बन जाने वाला है कि हाँ भाई, रॉस, मैकडोन, NXT ये बराबर के ब्रांड्स हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली अपडेट कवर करते हैं जो कि ये हुक को लेके। मुझे नहीं पता आप लोग हुक को जानते हो या फिर नहीं, अगर नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि AEW के अंदर हैं हुक, एंड जब AEW के अंदर इनका डेब्यू हुआ था तो बहुत ज़्यादा इनके अराउंड हाइप बन गई थी, एंड यूजुअली जैसे AEW के अंदर लोग आते हैं हाइप बन जाती है, उसके बाद हाइप डाउन हो जाती है, तो सेम चीज़ इनके साथ भी हुई है, इनकी हाइप अभी डाउन हो चुकी है। ऐसे में हुक का कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम बाद AEW से एक्सपायर होने वाला है, एग्जैक्ट डेट या मंथ कुछ ऐसा टाइम फ्रेम नहीं मालूम है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली एक्सपायर होगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि WWE के अंदर जो हायर अप्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं हुक को अपनी कंपनी के अंदर शामिल करने के लिए, यानी कि WWE के अंदर लेने के लिए। इससे पहले भी काफ़ी सारे लेजेंड्स ने सजेस्ट किया है कि WWE को हुक को हायर कर लेना चाहिए, हुक को साइन कर लेना चाहिए। तो मे बी WWE कंसिडर कर सकती है कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो AEW के साथ, तो हुक को WWE में आने के लिए लोग अप्रोच करें। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि हुक जो इस डिसीजन को WWE के इस अप्रूवल को सॉरी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव भी कर देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर WWE अप्रोच करती है तो देन हुक रेडी भी होंगे WWE में आने के लिए। अगर आप लोग हुक को चाहते हो तो क्या आप लोग चाहते हो कि ये WWE के अंदर आए, कमेंट करके बताना। मैं चाहता हूँ भाई, मैंने देखा इनको स्टार्ट में कम्पीट करते हुए, वो AEW की गलती की वजह से सुपरस्टार की हाइप डाउन हो जाती है। जब ऑरेंज कैसिडी की हाइप डाउन होगी भाई, तो किसी की भी हो जाएगी। शायद आपको नहीं पता ऑरेंज कैसिडी कौन होंगे, पता है तो आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑरेंज कैसिडी की अगर हाइप डाउन कर दी AEW ने, तो फिर कोई भी नहीं टिकता मुझे लगता है। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, ब्रे वायट की बात करते हैं। फाइनली ब्रे वायट को लेके एक ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से टीज निकल के सामने आया है। ये ट्रस्टेड सोर्स कौन है? बूजर रेस्लिंग है भाई। ये सोर्स जब आया था तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था इस पर, लेकिन अभी इसकी सारी की सारी रिपोर्ट एक एक रिपोर्ट एक्यूरेट बैठ रही है 110%। तो अभी इनकी तरफ से टीज आया है ब्रे वायट को लेके, एक GIF इन्होंने पोस्ट करी थी, एंड जहाँ पे आपको याद होगा वाइट रैबिट वाले टीजर्स चल रहे थे, तो एक वहाँ पे वीडियो आया था जब एक्स वाले साइन में, यानी कि एक्सट्रीम रूल्स वाला जो टीज था, एक्स वाले साइन में वाइट रैबिट गड्ढा करके कूद गया था। तो वो वाली GIF जो है ये बूजर रेस्लिन वाले पोस्ट करते हैं, एंड टीज है इनकी तरफ से कि ब्रे वायट बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड मुझे भी लगता है कि यही जो टाइम फ्रेम है समर स्लैम के आसपास का, यहीं पर ब्रे वायट अपीयर हो जाएंगे, रिपोर्ट्स का भी यही कहना था। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं गाइस, रैंडी ऑर्टन के ओरिजिनल रिटायरमेंट प्लान्स आपको बता दूं। फिलहाल तो बेचारे इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद शायद से इनके रिटायरमेंट पहले ही हो जाए, लेकिन ओरिजिनली रैंडी ऑर्टन जब पहले इंटरव्यू के अंदर आए थे तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान्स क्या बताए थे, आखिर वो कब रिटायर होने की सोच रहे थे, इसको लेके वापस से अपडेट निकल के सामने आए। तो करेंटली रैंडी ऑर्टन की जो एज है वो है 43 ईयर्स, यानी कि वो करेंटली 43 ईयर्स ओल्ड है, एंड इनकी जो ओरिजिनल ऐसे रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी 50 ईयर्स की। ये इंटरव्यू 41 ईयर्स के थे रैंडी ऑर्टन, तब दिया था इन्होंने शायद, एंड कह रहे थे कि अभी पूरा एक डेकेड मेरे पास बाकी है, 50 साल का होऊंगा मैं तब मैं रिटायरमेंट होने की सोच रहा हूँ, लेकिन इस इंजरी की वजह से ये चीज़ चेंज हो सकती है, एंड मे बी रैंडी ऑर्टन पहले भी रिटायर हो सकते हैं। भाई पता नहीं कैसी इंजरी पीछे लग गई, मुझे लगा था कि ठीक है एक दो महीने की चीज़ है, सॉल्व हो जाएगी, वापस आ जाएंगे, आ ही नहीं रहे भाई, पता नहीं कौन सी इंजरी लग गई है यार। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर करते हैं रोमन रेंज को लेके। रोमन रेंज को न्यू टाइटल मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद रोमन के पास 3 टाइटल्स हो सकती है। ये बहुत अजीब सी अपडेट निकल के सामने आई है। अपडेट है कि WWE में भी ऐसा कंसिडर कर सकती है कि पॉल हेमन के पास वो 2 टाइटल्स रखे हैं उनके कंधे पे, एंड इस वाली टाइटल को प्रीमियम लुक देने के लिए रोमन के पास रहे। मेरे ओपिनियंस बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की रिपोर्ट है कि मे भी हो सकता
लगता है कि पॉल हेमन के पास दोनों टाइटल रहे उनके कंधे पे, यूनिवर्सल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, एंड रोमन रेंस इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को कैरी ऑन करे अपने वेस्ट पे। मुझे नहीं बिलीव, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन इनकी रिपोर्ट का, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की रिपोर्ट का कहना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल के हिसाब से बस यही कुछ अपडेट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफ एयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।